सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हमेश और आप देख रहे हैं मेरे जोशी व्लॉग्स। हो गया जाए तुम्हारी 4 अक्टूबर 2022 और सुबह के बजे ठीक 7। फिलहाल मैं नहा धो के रेडी वगैरह हो चुका हूँ और आज हमारे मंगलवार है और वहाँ पे सेंटर भी खुला है, तो फटाफट सेंटर की ओर चलते हैं और कर देते वीडियो स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं 5 सेक्टर में और आज जैसे कि हमने क्लासेस वगैरह लगाई और कल दशहरा है और नौवीं भी आज, तो इसलिए आज हमारा है जाने का प्लान मेले में। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है दशहरे के ऊपर। तो पिछले साल ना जो एशिया का सबसे बड़ा जहाँ पे रावण का स्टैचू बना था ना, वो भाई यहाँ पे थी, उस जगह पे हम जा रहे हैं आज घूमने के लिए। वहाँ पे मेला लगा है, अभी भले ही स्टार्ट ना हुआ हो फिर भी हम जाके देख के आ जाते हैं, क्योंकि फिर आने का मौका नहीं मिलता यार, बरवाड़ा से बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है। तो यहाँ पे चलते हैं और फिलहाल मैं, कपिल और कुछ और बंदे हैं, इनको दिखाता हूँ मैं। ये हमारे साथ स्वयं यमराज चल रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं किसी बात की, फटाफट चलते हैं फिर अगली बस में चले जाएंगे। यहाँ से है रास्ता जो कि हमें कपिल सर लेके जाएंगे। कपिल सर यहाँ हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हैं ना, क्या बताऊँ। हमें जाना कहाँ था, कहाँ लेके आ गए। कह रहा कि वहाँ 5 सेक्टर जा रहे हैं और यहाँ पे पार्क में लेकर थोड़ी बहुत फोटो खिंचवा लेते पहले और फिर चलेंगे, बाकी पार्क बड़ा मस्त। सो गाइस ये देखिए यहाँ पे कितना मस्त पार्क है दूर दूर तक। यहाँ पे हमारे फोटोग्राफर साहब हमारे मॉडल की फोटो खींच रहे हैं और ये अपना अपने में ही लगे हुए। सो गाइस फिर आज हमने पूरा प्लान बनाया, पूरी मस्ती मस्ती करके जाने का, चाहे लेट हो जाएंगे पर मस्ती करके जाते। पहले फिलहाल घर पे फोन करके बताते हैं, वो भी ज्यादा जरूरी है, अभी यहाँ पे फिलहाल फोटो खिंचवा रहे हैं हम लोग भी। A few moments later. फिलहाल अभी हम लोगों ने फोटो वगैरह खिंचवा लिया और अभी चलते हैं हम लोग मेला देखने के लिए, उसको थोड़ा बहुत देख के आ जाते हैं। फिलहाल पार्क बहुत बढ़िया, कभी और फिर से आएंगे हम यहाँ पे और दोबारा फोटो वगैरह खिंचाएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं शालीमार ग्राउंड में, जहाँ की एक समय का सबसे बड़ा रावण की जो स्टैचू है वो बना हुआ था। तो पर अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं 3:40 पे और अभी ये खुला नहीं है, ये 5 बजे खुलेगा, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे एंट्री नहीं होगी और हमें अंदर नहीं जाने दिया जाए। बाहर से देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है अंदर की और एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें बना रखी है यहाँ पे। बाकी अभी जाना तो पॉसिबल नहीं है आशीष हमारे, तो पोपट हो गए। हम इतनी दूर से पैदल पैदल चले चले आए, हमने सोचा यहाँ पे वो मिलेगा, वो तो अच्छा हुआ मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो बना ली थी, तो थोड़ा कंटेंट मतलब वो मिल जाएगी, मतलब टाइम मिल जाएगा, इतने टाइम की वीडियो बनेगी, वरना बनती नहीं आज ब्लॉग भी। तो वैसे ऊपर से दिखाता हूँ आपको। सो गाइस ये देखिए यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। गाइस आजकल के छोटे से छोटे बच्चे भी ना वहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्या कहते हैं डोमिनोज में खाएंगे 100 रुपये में हैं सर हमारी, यहाँ पे खा ले कुलचे आराम से। तो यहाँ पे फिलहाल हमने 20 वाले कुलचे करवाए हैं, ये डोमिनोज वाले यहाँ पे आ चुके हैं आज हमारे पास। फिलहाल हमने कुलचे छोले ऑर्डर करे हैं 4, तो थोड़ी सी भूख से भी लगी थी, यहाँ से खाएंगे पियेंगे आराम से चलेंगे पूरे मस्ती में, भले ही हमारा पोपट हो चुका हो पर हमें किसी को नहीं बताएंगे, जो ब्लॉग देगा उसी पर चलेगा हमारा पोपट हो गया, बाकी सबको ये कहेंगे भाई घूम फिर के आए आराम से। तो इसी के साथ मेरी आज की 2 शॉर्ट वीडियो बन चुकी है और यहाँ पे हमारे 4 जो कुलचे हैं वो लगने जा रहे हैं, बड़ा मस्त बना रहे हैं अंकल। ओ जो हेलीकॉप्टर आ रहा है, ओ भाई साहब पहला कुलचा तैयार है और सबसे छोटे बच्चों को हम सबसे पहले देंगे कुलचे खाने के बाद, अब थोड़ा सा ये खाते हैं। सो गाइस फिर फिलहाल अभी हम लोग खा पी के और पूरी फुल मस्ती करी हमने, भले ही हमारा बहुत बुरे वाले वार्ड लगी, हमने सोचा कि जाना कहीं था पर कहीं और पहुंच गए, पर ये था कि आज का दिन बहुत ज़्यादा हमने इंजॉय किया है ना। हाँ तो बोल दो सालों नहीं चलाई है, झूठ बोल रहा है। और फिलहाल अभी यहाँ पे आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये ना जो फाइटर जेट्स वगैरह होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन है वहाँ पे सुखना लेक, तो शायद हम वहाँ पे भी जा सकते हैं किसी कभी है 8-9 को है शायद, देख भी सकते हैं। दिख रहा है कहाँ दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है, हाँ अगर अगर आपको दिख रहा होगा तो देख लिया होगा आपने। कुछ ज़्यादा महंगे वो हमारे बजट से बाहर है, नारे नहीं खरीदते हम। हाँ चलेंगे तो फिर फिलहाल अभी चलते फटाफट घर की ओर और मिलते हैं आपसे। सो वैसे भी फाइनली हमें भी बस मिल चुकी है और चलते हैं। सो गाइस अभी फिलहाल भी हम लोग बुरवाला पहुंच चुके हैं और जिस बस में आए थे ना भाई साहब, बस का ड्राइवर इतनी तेज बस चला रहा था ना, कितनी तेज चला रहा था आशीष तू भी बता दे, 20 से ऊपर नहीं जा रही थी बस, भाई साहब इतनी तेज ना, डर लग रहा था हमें कहीं हम गिर गुर ना जाए बस के अंदर से बाहर,
तो फिलहाल अभी 5 बजा दिए हैं, 4 बजे चली थी और पूरे 5 बजा दिए, मतलब 1 घंटा 45 मिनट का रास्ता पूरे 1 घंटे में हमने तय किया। तो फिलहाल अभी घर पे पहुंच चुके हैं और आज का दिन भी खत्म, मतलब बहुत बढ़िया हमने एंजॉय किया। ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना कर देते वीडियो का, आई होप कि आपने आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जाएं, जय भारत।